और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरोही के पिंडवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अल्ट्राटेक नाथ द्वारा सीमेंट प्रबंधन पिंडवाड़ा के आदिवासी समाज को अधिकारों से वंचित रखा गया है। आदिवासी समाज को एकजुटता दिखाकर लोगों को फैक्ट्री प्रबंधन के जिम्मेदार झूठे आश्वासन देते हैं। वर्षों के बाद भी ठेकेदारों के मार्फत मजदूरों का शोषण हो रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन का कृत्य मजदूरों को सिर्फ ठेकेदारों के माध्यम से लगाकर शोषण किया जा रहा है, जबकि क्षेत्र के इन पीड़ित मजदूरों की हालत आज भी दयनीय बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व में जिम्मेदारों को सुपुत्र पत्रों में मजदूर उठा चुके हैं अपनी कई मांगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए तुषार राजपुरोहित सिरोही से हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुषार, मजदूरों को लगातार शोषण किया जा रहा है, अभी तक क्या कुछ पूरा मामला है इसकी जानकारी दीजिए आप। जी बिल्कुल फातिमा, बता दूं कि सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में नॉर्थ द्वारा अल्ट्राटेक का प्लांट है, जिसमें आगामी 15 दिसंबर को जन सुनवाई है। जन सुनवाई का विषय ये है कि ये तीसरी यूनिट और लगाना चाह रहे हैं, जबकि क्षेत्रवासियों की यह मांग है कि पूर्व में दो यूनिट लगी हुई है, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जबकि सब बाहरी लोग आधिकारिक पोस्ट पर आज भी काबिज हैं। क्षेत्र के इन मजदूरों और क्षेत्रवासियों ने कई बार पूर्व में मांग पत्र फैक्ट्री प्रबंधन को सौंपी थी, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और आज भी क्षेत्र के गरीब तड़के का जो मजदूर वर्ग है, आदिवासी मजदूर है, वो इन ठेकेदारों के माध्यम से शोषण का शिकार हो रहा है। और क्षेत्र के जिम्मेदार नेता हो या प्रशासनिक अमला हो, आंखें मूंद कर ये सब देख रहा है। ऐसे में क्षेत्र में इन मजदूरों में आक्रोश उपजना भी एक मसला देखा जा रहा है फातिमा। तो तुषार, क्या मजदूरों ने अपनी गुहार प्रशासन से लगाई है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक सामने आई है, क्यों शोषण किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मजदूरों के हितात के लिए जिले में दो मजदूर हितात संगठन है, एक बीएमएस तो भारतीय मजदूर संघ और एक ईटक, लेकिन इन दोनों संगठनों ने कोई मजदूर हितों की इतनी प्रभावशाली तरीके से बात नहीं रखी प्रबंधन के समक्ष। आखिर में एक तीसरे संगठन का उदय हुआ था जो जोधपुर से संबंधित था, लेकिन उस संगठन पर फिलहाल उनको मान्यता फैक्ट्री प्रबंध और सरकार ने नहीं दी, और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने उस संगठन पर मान्यता पर फिलहाल स्टे दे रखा है, लेकिन उस संगठन ने जरूर कुछ प्रयास किया था क्षेत्र के लिए, मजदूर हितात के लिए वो मांग पत्र फैक्ट्री प्रबंधन को सौंपी गई थी, लेकिन आज भी दरअसल क्षेत्र में देखा जाए तो कोई ना कोई इन मजदूर हितात के लिए जो कदम उठाना चाहता है उनकी आवाज दबा दी जाती है, उनके आंदोलनों को कुचल दिया जाता है, और आज भी मजदूर ठेकेदारों के माध्यम से ही फैक्ट्री में कार्यरत हैं और उनका शोषण हो ही रहा है क्षेत्र में। जबकि नेता क्षेत्र में कई हैं बड़े बड़े, लेकिन वो भी कभी मजदूर हितों की बात नहीं रखते, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में जुटे हुए, और आज भी क्षेत्र के मजदूर वर्ग के लोग पीड़ित हैं। आप हालात तो देखेंगे मजदूर परिवारों की, तो इनके घर में दो टाइम की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी कठिनाइयों से हो रहा है, आज भी उनकी स्थिति इस क्षेत्र में बहुत दयनीय बनी हुई है फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया तुषार तमाम जानकारी के लिए। तो सिरोही के पिंडवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे मजदूरों का लगातार शोषण किया जा रहा है।